A very good morning to our respected principal sir, ma'am, teachers and my dear classmates. I am Anjali from class 12. As we all know, we all are gathered here for our favorite party. This is our last day in school, so I am sharing my golden and precious moment with you all. आज कुछ यूँ किया है कि ये स्कूल बड़ा याद आएगा। जो बीत गया है वक्त वो वापस लौट कर ना आएगा। वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी सी बात पर लड़ाई, वो स्कूल, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो अनएक्सपेक्टेड छुट्टी का मिल जाना, वो टीचर का एब्सेंट हो जाना, वो टीचर का किसी काम में फंस जाना, बहुत याद आएंगे ये दिन। वो लास्ट बेंच पर बैठ कर खाना खाना, क्लास में टीचर के ना होने पर जोर जोर से चिल्लाना और टीचर के आने पर ये बोलना ओए मैम आ गई जोर जोर से चिल्लाना, कॉरिडोर में एक दूसरे के शूज़ को पीछे से दबाना, टीचर्स को इरिटेट करना। जब टीचर को गुस्सा आता तो वो बोलता जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास से बाहर जाओ, और हम दोस्त की तरफ देख के कहते चले क्या। वो सरिता मैम का पूरे स्कूल में खौफ, वो उनका हर छोटे और बड़ी प्रॉब्लम में साथ देना, वो उनका प्यार से डांटना, वो उनका काइंड नेचर बहुत याद आएगा। वो महावीर सर का सबके साथ फ्रेंक रहना, वो उनका हर टाइम पे साथ देना, वो उनके स्कूल टाइम की बातें बताना और हम सबका हंसना हंसाना बहुत याद आएगा। वो मनीष सर की रिजल्ट के बाद की मोटिवेशनल स्पीच, उसके बाद तो ऐसा लगता था कि आज तो जाके सारा काम कर गया और अगले दिन एज यूजुअल बिना काम के स्कूल जाना बहुत याद आएगा। वो रंजीत सर का इंग्लिश पे कमांड, वो उनका छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना, वो उनका सीरियस मूड में मजाक करना बहुत याद आएगा। वो वंदना मैम का बायो पढ़ाना और हम सब के साथ घुल मिल जाना बहुत याद आएगा। वो पूनम मैम जो है डिसिप्लिन की क्वीन, वो उनका हर बच्चे को हर कॉम्पिटिशन के लिए एनकरेज करना बहुत याद आएगा। वो आशा मैम के हिंदी में डायलॉग, वो उनका हाथ का बनाया हुआ खाना और वो उनकी प्यारी सी स्माइल बहुत याद आएगी। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से वी विल नेवर फॉरगेट दीज मोमेंट्स एंड आई से थैंक टू आवर टीचर्स फॉर एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग एंड सपोर्ट अस इन एवरी फील्ड। योर लव इज मोर लेस देन ट्रेजर फॉर अस। लास्टली आई से गुड बाय टू एवरी वन। थैंक यू।